और इसके पश्चात सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट ही कहने लगे, हे सोनकादि ऋषिगण सुनो, मैंने जैसे जैसे अपने गुरुदेव के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण किया वही कथा आप लोग को मैं श्रवण करा रहा हूं। जिस समय परीक्षित महाराज अभिशप्त हुए, 7 दिन के बाद तक्षक आकर के उनको काट लाना है, यही तो अभिशाप दिया था। और उसी समय मेरे गुरु पाद पद्म सुखदेव गोस्वामी पाद उस परीक्षित महाराज की सभा में प्रकट हुए है। और उस समय परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछा था, एक व्यक्ति मरने वाले हैं उसके क्या करना चाहिए। अलग अलग साधु ने अपने अपने विचार दिया। कोई भी साधु कहते महाराज आपके पास बहुत धन है, सब दान कर दिए हैं, दान के फल स्वरूप आप स्वर्ग में चले जाओगे। ज्ञानी साधु कहने लगे महाराज आप ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञानात्मुक्ति मुक्ति हो जाएगी। योगी साधु कहने लगे महाराज आप योग साधना कीजिए, योग साधना के द्वारा आप मुक्त हो जाएंगे। किंतु उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी पाद जब प्रकट हुए और समस्त संत महात्मा खड़े हो गए, बोले उस सभा में कौन कौन थे, बोले व्यासदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी विराजमान थे, नारद व्यास नारद पराशर ऋषि है माने व्यासदेव के पिताजी है। सुखदेव गोस्वामी कौन लगता है, दादाजी है। देखो सभी लोग खड़े हो गए है और सुखदेव गोस्वामी ऊंचे आसन पर बैठा है। ये कथा कौन बोल रहे हैं, सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के बोल रहे हैं। और उस समय परीक्षित मारे एक ही प्रश्न पूछा, ये मूर्यवान जो मरने वाले व्यक्ति के कर्तव्य क्या है। उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर में उत्तर दिया, ये तो निवृत्त मनाम उच्चतम अकुतो भयम जगनाम अपनी निर्णतम हरे नामानुकीर्तन, ये तो निवृत्त मनाम उच्चतम अकुतो भयम जगनाम अपनी निर्णतम हरे नामानुकीर्तन। कुछ करना नहीं है, कोई मरने वाले व्यक्ति क्या कर पाए है, हरे नाम संकीर्तन हरि कथा श्रवण और हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सुत गोस्वामी पाद कारण मेरे गुरुदेव की सामान्य नहीं थे। 2 श्लोक के द्वारा श्री सुत गोस्वामी पाद अपने गुरुदेव की महिमा वर्णन किया। बोले कई कथा बोलने की जाए तो क्या करना चाहिए, पहले गुरु की महिमा वर्णन सुनो मेरे गुरुदेव की महिमा है। कहते ना गुरु करो जान के पानी पियो है, गुरु कैसे। सुत गोस्वामी पाद करें हे सोनकादि ऋषि मेरे गुरुदेव कैसे है। जन प्रवचन तो मनोवृत्त अपेत कृत्व मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से जन्म लिए है, बेटे के गर्भ से जन्म और उनके किसी प्रकार जन्म संस्कार नहीं हो है, कोई प्रकार संस्कार नहीं। 16 साल बालक के भांति जटाजी हुए है, शरीर में किसी प्रकार वस्त्र नहीं था है। देखो कंजल लोचनम है, अर्धमुद्रित कमल की पुंखुड़ी की भांति जिनकी आंखों था, ब्रह्म चिंतन में डूबे हुए थे, भगवत चिंतन में डूबे हुए है। और जंगल की ओर दौड़ने लगा
कि जन प्रवजित मनोवित अभेद कृतम। और उसके पीछे दैपायन विरह कातर, कृष्ण दैपायन विरह व्यास उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, हा पुत्र करके। किंतु सुखदेव गोस्वामी पार एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा, कौन मुझे बुला है। जब वैष्णव गोस्वामी हा पुत्र करके रोने लगे और उनके प्रतिध्वनि पेड़ में है, एको कहां जा रहे, पेड़ में पर्वत में ध्वनि आकर के कह रहे हैं, काकश्य पुत्र परिवेदना, कौन तुम्हारे पुत्र है, कौन पिता है। देखो, और सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से ही समस्त जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम में द्रवीभूत हो गए। इस श्लोक में बना ने जन प्रवित मनोवित अभित कृतम दैपायन विरह कातर आजवाब पुत्री की तरण है। तो देखो सब कैसे प्रेम में द्रवीभूत हो, अरे महाभागवत के दर्शन की प्रभाव है। टीकाकार वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कोई साधारण नहीं थे, स्वयं राधा जी की प्रिया सुख कहा जाता है। ये तो केवल लीला आदि कर रहे हैं, श्रिया सुखम श्रीमती श्रीमती राधा की पालित सुख है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी सुंदर सुंदर अनार के दाना को जो है यही सुख पक्षी के जो है छोटा बच्चा सुख पक्षी उसके खिलाते थे। स्वामी सुखदेव से अपने जीवन चरित कथा सुनाया, हे परीक्षित महाराज सुनो कल्प विदेश हरी कथा। संत श्रीमती राधिका है मुझे सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाना को जो है मुझे खिलाते थे, है एक हाथ में छोटा बच्चा सुख पक्षी का हाथ में रखा और दूसरे हाथ में दाना को खिला है। मणिपिंज रस्तम सुकं बाचो बाचयतु गोविंद दामो धर्मादपेति गोविंद दामो धर्मादपेति गोविंद दामो धर्मादपेति गोविंद दामो। संत राधा जी खिलाती थी और मुझे सिखाती थी, ये सुख तुम कृष्ण कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण कृष्ण नाम जप करो, सिखाए कृष्ण नाम जप करो। इसलिए सुखदेव को सही पाठ कहते हैं मेरे गुरु कौन है, राधा जी है। एक दिन की बात हुई, वही सुख पक्षी उठते उठते पिंजरे से बाहर आ गए, उठते उठते बरसना से नंदगांव के प्रभु पे चले, जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे थे और ठीक राधा जी के सर, राधा जी के गले के सर से क्या नाम जप करने लगे, कृष्ण 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 है। जिस पेड़ के नीचे स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे थे और उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम जप, राधा जी एक कृष्ण देखा, यह राधा जी कहां से आए, ऊपर देखा तो राधा जी तो नहीं है, वो छोटा सुख पक्षी। कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, कर रहे हे कृष्ण कृष्ण नाम जप मत करो, क्या जप करो, राधे राधे जप करो है। देखो राधे राधे जप करना शुरू कर, इतने समय राधा जी आई, राधा जी कहने लगे कन्हैया ये सुख मेरा है, कृष्ण कभी सुख पक्षी किसको थोड़ी होता, जिसके हाथ में तो इसके। राधा जी जाकर के